वेलकम टू अवर लैंग्वेज टाइम सेशन सीरियल जी। आज हमारे लैंग्वेज टाइम में हम सीखेंगे लेटर्स, ए लेटर, ए लेटर बी, कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, दोनों लेटर्स हमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आपको वर्कशीट मिल चुकी है, आपने एक्टिविटी कर ली होगी। सो टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग लेटर सी, कैपिटल कर्सिव सी एंड स्मॉल कर्सिव सी, बोथ आर वेरी इजी। ये बहुत ज्यादा इजी है, हमें इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कैपिटल सी हमें किस तरह से लिखना है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, एंड स्मॉल कर्सिव सी के लिए जिस स्ट्रोक या जिस पैटर्न की हमें जरूरत है, कर्सिव ए स्मॉल ए लिखते समय हमने उस पैटर्न को लर्न कर लिया है। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। लेट्स स्टार्ट। This is capital C. Okay, this is capital C. First alphabets ABCD में capital C हम इस तरह से लिखते हैं, like this. You can say it's a stroke for cursive C or capital C. दोनों तरीके से ये चीज हम use कर सकते हैं. I will say this C. First alphabet में C हम इस तरह से लिखते हैं. Start from the first line, top line, and it ends up on second blue line, like this. This is C. We know how to write. Okay? बस यही बेस पे थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है और इस तरह से हम कर्सिव कैपिटल सी को लिख पाएंगे। How? I'll show you. इसे भी स्टार्ट करना है फ्रॉम द टॉप लाइन। टॉप लाइन से ये स्टार्ट होगा एंड एंड्स अप ऑन सेकेंड ब्लू लाइन, यहाँ पे ये फिनिश होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व लेना है और नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लेना है। ओके, दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अल्फाबेट सी एंड कर्सिव कैपिटल सी। तो आई शो यू हाउ टू राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप लाइन एंड फर्स्ट ब्लू लाइन, लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसमें स्लैंटिंग पोजिशन लेंगे, लाइक दिस। ओके, ये सी थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में हमें लिखना है, बिल्कुल इसकी तरह सीधा नहीं, ये थोड़ा सा स्लैंट पोजीशन में रहेगा, थोड़ा सा क्रॉस रहेगा। वन मोर टाइम, यहां से स्टार्ट करना है, मेक अ कर्व, थोड़ा सा स्लैंट एंड गो अप। ओके, वन मोर टाइम, दिस इज अवर कैपिटल कर्सिव सी। ओके, कर्सिव लेटर लिखने के लिए बहुत सारी पैटर्न होती है, बट किसी बुक में हमें जिस तरह से जो पैटर्न को बताया गया है हमें उसी पैटर्न को, उसी तरह लेटर को फॉलो करना है। तो हमारी बुक या वर्कशीट में कर्सिव कैपिटल सी हमें इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। सो किड्स स्टूडेंट, हमें भी इसी तरह से कर्सिव कैपिटल सी को लिखना है। नाउ अब होगा हमारा स्मॉल कर्सिव सी। इट्स वेरी इजी, कैपिटल कर्सिव सी भी ये बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज इसका ऑलमोस्ट पार्ट हम जब स्मॉल ए लिखने की हमने प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज द पैटर्न टू राइट स्मॉल कर्सिव सी, ये पैटर्न हमें फॉलो करनी है। वी नो दैट वेरी वेल कि ये पैटर्न हमें किस तरह से बनानी है, लाइक दिस। स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन टू ब्लू लाइंस, वी हैव टू गो अप, मेक अ स्मॉल कर्व, अगेन गो अप, मेक अ कर्व, अगेन गो अप, मेक अ कर्व। ओके, ये हमें पता है किस तरह से हमने इस पैटर्न को लर्न कर लिया है। दिस इज ऑलमोस्ट सी, ये पूरी तरह से सी बन चुका है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, क्या है आई विल शो यू। ये है हमारा कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल कर्सिव सी। कैसे लिखना है, वही पैटर्न, यहां से वी हैव टू गो अप, मेक अ सी, और ये यहां से थोड़ा सा ऊपर, दैट्स इट। बस ये थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ लेना है। ओके, वन मोर टाइम, पैटर्न सी, और ये थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे। लास्ट टाइम, गो अप, मेक अ सी, थोड़ा सा इसे हमें ऊपर की तरफ लेना है। सो दिस इज अवर स्मॉल कर्सिव सी।
both are very easy. Once again I repeat students, A, B and C letter introduced हो चुके हैं आपसे. I hope कि आप लोगों ने notebooks में या worksheet में से बहुत अच्छे से complete किया होगा. Keep practicing. ये सारे letters की practice continue रखना जरूरी है. आगे अगर आपको cursive में words and sentences को लिखने में perfection अगर चाहिए तो letter की practice is must. Thank you.